पाँच साल से आप किसी यूनिवर्सिटी में ही? अपने को बार रहा है। जी मेरा नाम डॉक्टर मनदीप सिंगला है, मैं बतौर सीनियर साइंटिस्ट यहाँ गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। हम यहाँ पे बकरियों पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीटल नस्ल की बकरी एक पंजाब की प्रमुख बकरी है जी। तो हम यहाँ पे बीटल नस्ल की बकरी को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी प्रदर्शनी है यहाँ पे इस किसान मेले में, पशुपालन मेले में लगा रहे हैं। अभी जो आपके पास हम जो बकरी देख रहे हैं बीटल नस्ल की, और यहाँ पर बाहर एक प्लेट में लिखा हुआ भी है कि 5 लीटर 150 ग्राम, तो क्या ये थोड़ा सा जब सोचते हैं सुनते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि क्या बकरी भी इतना दूध दे सकती है क्या? ये जो बीटल नस्ल की बकरी है ये एक बहुगुणी बकरी है, इसमें कई गुण हैं, कई फायदे हैं जिससे हम कई तरह के उत्पाद इसमें से ले सकते हैं। इसमें बच्चे पैदा करने की दर भी ज़्यादा है, इसका शारीरिक भार भी अच्छा है, और वेट गेन जो शरीर भार में गेन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ साथ अपने बच्चे पालने के अलावा भी ये काफ़ी मात्रा में दूध है ये पैदा कर सकती है। तो औसतन हम ये लगा सकते हैं कि अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो औसतन प्रति बकरी आप हरेक बकरी से 2 किलो से ज़्यादा दूध ले सकते हैं। हमारे पास ये एक बकरी है, इसने एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दूध है वो 5 किलो 150 ग्राम दूध पैदा किया। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया? कोई आपने कोई ब्रीडिंग के ऊपर काम किया या फिर ऐसा इसमें कोई केयर के ऊपर या फीड के ऊपर डिपेंड है ये? हमने मैनेजमेंट और सिलेक्शन पे काम किया है जी। मैनेजमेंट में इनकी खुराक पे काफ़ी सुधार किया है, और इसके अलावा जो अच्छी नस्ल, जो अच्छी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं उसकी पूरी उम्र का जो रिकॉर्ड होता है, कितने बच्चे दिए, कितना दूध दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दिया, उसके हिसाब से हम नस्ल है उसकी सिलेक्शन करते हैं, और धीरे धीरे इसमें फिर सुधार अपने आप होता रहता है। तो किसान भाई को क्या मैसेज देना चाहोगे जो बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है यदि इसमें आगे इम्प्रूवमेंट कुछ करना चाहे? किसान भाइयों के लिए मेरा संदेश यही है कि ये बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसके साथ आप जुड़े, एक टीचा, एक विजन, एक सोच लेके जुड़े, और कम से कम ये सोच के जुड़े कि आपने 5 से 7 साल कम से कम बकरी सुधार पे काम करना है, और ये सोच के करें कि आपने बकरियों में क्या काम करना है, फिर उस टीचे के ऊपर काम करें, इसमें बकरी पालन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आजकल सर एक चीज़ और सुनने को मिल रही है कि बकरी की आजकल अभी AI भी हो रही है, AI करके भी अच्छी एक सेमल से हम एक ब्रीड तैयार कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये कितना इसका चांस है सक्सेसफुल होने का? ये अभी चल रहा है काम, कई सीमन स्टेशंस हैं, जैसे मखदूम में सीमन स्टेशन है, उन्होंने बकरी का सीमन फ्रीज किया है, मथुरा में एक सीमन स्टेशन है, उन्होंने फ्रीज किया है, इसके अलावा और भी कई स्टेशन हैं तो वहाँ भी उन्होंने सीमन फ्रीज किया है। आने वाले समय में बकरी, अच्छे नस्ल के बकरों का सीमन है वो भी किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने अपना इम्पोर्टेंट समय दिया। थैंक यू सो मच।